नमस्कार, डीएनए न्यूज के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मानसी समाधि आपके साथ, और आइए इसके साथ रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के सुर इन दिनों बदले बदले से नजर आ रहे हैं। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। गौर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का एक कारण ये भी है। गौर ने यह भी कहा कि अब मोदी शाह की लहर जैसे कोई माहौल नहीं। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे कुशाभाऊ ठाकरे जैसी पार्टी दिखनी नहीं दिख रही भारतीय जनता पार्टी। कुशाभाऊ जी ठाकरे हमारे प्रेरणा के पुरुष थे, जिन्होंने इस पार्टी को जीरो से और हीरो तक का बनाया है और सबको साथ लेकर के चले हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी, संगठन की नंबर एक की पार्टी रही। आज उसके वरिष्ठ कार्यकर्ता जो नेता है उनको दरकिनार किया जा रहा है, चाहे वो रघुनंदन शर्मा हो, चाहे राघव जी हो, चाहे कुशवरिया जी हो, सरताज सिंह जी हो, सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे और वरिष्ठ नेताओं का सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे तो पार्टी का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। कोई लहर है, खूब लहर चलती रहे, और लहर चले बहुत जोर से चले, हमें क्या तक। मैंने तो अपनी बात कह रहा हूँ। तो बदले बदले से हैं बाबूलाल गौर के अंदाज, वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी बीजेपी में। पूरी खबर पर अधिक बातचीत के लिए राकेश शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है राकेश जी आपका डीएनएन न्यूज पर। क्या मायने निकाले जाए राकेश जी, बदले बदले अंदाज नजर आ रहे हैं बाबूलाल गौर की। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करता है वो विचारधारा के लिए और देश के लिए काम करता है। अगर अब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि व्यक्तिगत उनकी छवि को सुधारने का काम किया जाए, व्यक्तिगत उनको लाभ पहुंचाने का काम किया जाए और व्यक्तियों की पार्टी बना दी जाए, तो मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा पे चलने वाली पार्टी। बाबूलाल गौर जी आज बार बार जब ये कहते हैं कि वरिष्ठों का अपमान हो रहा है, तो बाबूलाल गौर जी को ये याद रखना चाहिए कि 10 बार से उनको भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बनाया। बाबूलाल गौर जी को ये याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लगातार मंत्री मध्य प्रदेश शासन में बनाया। बाबूलाल गौर जी को यह भी याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर बाबूलाल गौर जी को लगता है कि उनका अपमान किया गया है, जबकि उनको समस्त जितने कार्यक्रम रहते हैं मुख्य रूप से उनको वहां आमंत्रित किया जाता है, बड़े होने के कारण लगातार पार्टी उनसे सलाह लेती है। मेरा एक बड़ा विनम्र निवेदन है कि जिस पार्टी की तरफ वो अगर बात कर रहे हैं, जिस पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हजारीलाल रघुवंशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज वो कहां पे हैं? और ऐसे कम से कम 1000 कांग्रेस के नेताओं के नाम गुनाऊंगा जिनको कांग्रेस पूछ नहीं रही है। राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो सीताराम केसरी जैसे बुजुर्ग नेता जो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनको उठाकर मंच से फेंका गया जिस दिन सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। तो कांग्रेस में क्या होता है ये किसी से छुपा नहीं है। सरताज सिंह जी जिस दिन से कांग्रेस पार्टी में गए हुए हैं, उनको सिर्फ एक चुनाव लड़ाने के अलावा आज तक क्या सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है ये कांग्रेस पार्टी बताए, और जो नेता बाबूलाल गौर जी से बात कर रहे हैं वो बताए। मेरा एक बड़ा विनम्र निवेदन है, जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, जिस पार्टी ने आज आपको पहचान दी, उस पार्टी पे इस तरह की छींटाकशी ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पार्टी माँ के समान होती है और माँ के ऊपर कोई छींटाकशी करता है तो उस व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितना सम्मान माननीय बाबूलाल गौर जी को भारतीय जनता पार्टी में मिला, विश्व की किसी भी पार्टी में चले जाएं इस तरह का कोई सम्मान उनको प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, आज अगर संकट का समय चल रहा है, संक्रमण काल चल रहा है, तो उस समय तो और लोगों को आगे आके अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, आज अगर देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, देश को बचाने की बात चल रही है, इस समय तो अपनी अपनी आहुति देकर मोदी जी की सरकार को फिर देश में बनाने के लिए हर नेता को काम करना चाहिए। राकेश जी, क्यों इतने विरोध के स्वर पार्टी के अंदर सुनाई देने लगे हैं? बाबूलाल गौर ने कल भी ये बात कही थी कि कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन करने का क्या भी वो विचार कर रहे हैं दिग्विजय सिंह ने। देखिए, मेरा एक निवेदन है, कौन व्यक्ति क्या करने का विचार कर रहा है इसके लिए वो स्वतंत्र है, इस पे तो कोई किसी का दबाव किसी पे नहीं रहता। और भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोध के सोच सुनाई नहीं दे रहे हैं। इक्का दुक्का नेता जिनको लगता है उनकी महत्वाकांक्षाएं की पूर्ति इस पार्टी में नहीं हो पा रही है, जो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जी रहे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और मेरा तो निवेदन है, जिसको जो लगता है उसको वो करना चाहिए, क्योंकि कल आपको ये कहने को नहीं हो जाएगा कि मैं अपनी मन की पूर्ति नहीं कर पाया, मैं अपनी मन की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाया।
सरताज सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां भारी मतों से जीता और आज जो दुर्गति सरताज सिंह जी की कांग्रेस में हो रही है ये किसी से छुपा नहीं है। तो अगर जो इस गलत फहमी में जी रहे कि दूसरी पार्टी में जाके वो बहुत खुश हो जाएंगे, तो उनको सरताज सिंह जैसे व्यक्ति का उदाहरण अपने सामने रखना चाहिए। राकेश जी, क्या माना जाए कि विधानसभा चुनाव में भी तीन राज्यों में बीजेपी को हारना पड़ा, क्या सचमुच वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी बीजेपी में की जा रही है? क्योंकि लगातार मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। हमें 109 सीटें मिली हैं, हमें मात्र 5 सीटें कांग्रेस से कम मिली हैं। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी अलग से विचार करेगी, मंथन करेगी कि क्या कमी रही है, पर ये कोई कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी वरिष्ठ नेता का अपमान हुआ है। अगर मैं आज 32 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, तो ना तो मैं विधायक का चुनाव लड़ पाया हूं, ना मैं पार्षद का चुनाव लड़ पाया हूं, तो मुझे तो फिर बाबूलाल गौर जी से पूछना चाहिए था कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ आपने क्यों नहीं विचार किया जब आप मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। आपको सब कुछ मिलता जा रहा है, उसके बाद भी आप पार्टी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं को खुद आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके साथ क्या किया जाए और क्यों नहीं किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो राकेश शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि 25 साल से वो भी बीजेपी में काम कर रहे हैं, जब बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे तब वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, तो जब बाबूलाल गौर अपने लिए तो सब कर रहे हैं लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। और ऐसे नेताओं एक बार क्या कुछ आपको दोबारा सुनवाते हैं कि बाबूलाल गौर ने कहा। मैंने तो अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे कुशाभाऊ ठाकरे जैसी पार्टी दिखनी नहीं दिख रही भारतीय जनता पार्टी। कुशाभाऊ जी ठाकरे हमारे प्रेरणा के पुरुष थे, जिन्होंने इस पार्टी को जीरो से और हीरो तक का बनाया है और सबको साथ लेकर के चले हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी, संगठन की नंबर एक की पार्टी रही है। आज उसके वरिष्ठ कार्यकर्ता जो नेता हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, चाहे वो रघुनंदन शर्मा हो, चाहे राघव जी हो, चाहे कुशवरिया जी हो, सरताज सिंह जी हो, सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे और वरिष्ठ नेताओं का सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे तो पार्टी का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। कोई लहर है, खूब लहर चलती रहे और लहर चले बहुत जोर से चले, हमें क्या तक। मैंने तो अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे कुशाभाऊ ठाकरे जैसी पार्टी दिखनी नहीं दिख रही भारतीय जनता पार्टी। कुशाभाऊ जी ठाकरे हमारे पुरुष थे, जिन्होंने इस पार्टी को जीरो से और हीरो तक का बनाया है और सबको साथ लेकर के चले, जिसके कारण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी, संगठन की नंबर एक की पार्टी रही। आज उसके वरिष्ठ कार्यकर्ता जो नेता हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, चाहे वो रघुनंदन शर्मा हो, चाहे राघव जी हो, चाहे कुशवरिया जी हो, सरताज सिंह जी हो, सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे और वरिष्ठ नेताओं का सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे तो पार्टी का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। कोई लहर है, खूब लहर चलती रहे और लहर चले बहुत जोर से चले, हमें क्या तक। मैंने तो अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे कुशाभाऊ ठाकरे जैसी पार्टी दिखनी नहीं दिख रही भारतीय जनता पार्टी। कुशाभाऊ जी ठाकरे हमारे प्रेरणा के पुरुष थे, जिन्होंने इस पार्टी को जीरो से अजय शाह कांग्रेस जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है अजय जी आपका। अजय जी, लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में नेताओं की अनदेखी की जा रही है, बाबूलाल गौर ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है, क्या कुछ आप कहेंगे? में तो आदत है कि इस्तेमाल करो और फिर उनको छोड़ दो मझधार में। देखिए बाबूलाल गौर जी हो, सरताज सिंह जी हो, देखिए मैं एक बहुत बड़ी चीज बोलना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि आज श्रीमंत राजमाता सिंधिया की वो भी है कि आज बीजेपी मध्य प्रदेश में जो कुछ भी है वो श्रीमंत राजमाता सिंधिया के पैसे और परिश्रम के कारण है
उनको ही आज ये इनके उपाध्यक्ष बहुत शायद और पवैया जी किस हाल में छोड़ दिए, क्या बोलते हैं उनके कारण। तो ये तो ऐसी पार्टी है जो जब तक आप इस्तेमाल करने योग हो सर आंखों पर, जिस दिन आपकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी उस दिन वो कूड़े के दान में फेंक देते हैं। आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत क्या है, लाल किशन उनको जोशी जब अजय जी हमने बहरहाल तकनीकी कारणों के चलते अजय जी से संपर्क हमारा टूट गया है। तो बाबूलाल गौर ने एक बार फिर पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और ये तक उन्होंने कह डाला कि मोदी शाह जैसी कोई लहर अब नहीं है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने गुरुवार को दुनिया का सबसे हल्का उपग्रह कमलाम सेटर V2 के पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया है। इस उपलब्धि के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। बता दें कि कलाम सेट को छात्रों ने बनाया है। इसके साथ ही इमेजिंग उपग्रह माइक्रोसेट R को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-44 लॉन्च व्हीकल के जरिए इन दोनों उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने लॉन्च के बाद देर रात इस मिशन के सफल होने की घोषणा की। उन्होंने कलाम सेट बनाने वाले छात्रों को स्पेस किड कहा और उन्हें इसके लिए बधाई भी दी। 4,800 kilonewtons The strap-ons are going to burn out in about 5 seconds. Shamla Hills स्थित CM House में प्रवेश करने से पहले उसमें 4-5 करोड़ रुपए की लागत से रेनोवेशन और 3 मंजिला नए भवन का निर्माण होना है। इस नए भवन में कमलनाथ का कॉर्पोरेट ऑफिस रहेगा। वित्तीय दिक्कतों के लेकर कटौती की बात कर रही राज्य सरकार के इस खर्च को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और जनता के पैसे की फिजूल खर्ची से बताया है। के बाद एक बार फिर खबरों में आपका स्वागत है। भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों से संवाद किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार को कोई विधायक धमका रहा है तो कोई ताला लगा रहा है। लंगड़ी सरकार तो हम भी बना सकते हैं लेकिन हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, अब हम लड़ेंगे। कांग्रेस तो 15 साल में लड़ना ही नहीं सीख पाई। वहीं सीएम कमलनाथ और कांग्रेस सरकार को चुनौती देते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि संबल अगर बंद की तो सरकार चलाना बंद कर दूंगा। 2022 तक सब गरीबों को घर देना पड़ेगा नहीं तो बीजेपी वल्लभ भवन का घेराव करेगी। जिंदाबाद। अगर बंद की तो सरकार चलना बंद कर दूंगा। ये मत समझना कि कमजोर है मेरे बहनों और भाइयों, आपकी सेवा का संकल्प लिया, आपके लिए जीना आपके लिए मरना है और ये योजना बंद नहीं होने देंगे। लड़ लड़के योजना जारी रखेंगे। बताओ जारी रहना चाहिए कि नहीं। छतरपुर में मध्याह्न भोजन करने से 10 बच्चे बीमार हो गए। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ी मल्हारा उपचार के लिए भेजा गया। वहां से 6 बच्चों को छतरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। ताज्जुब की बात तो ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को कांग्रेस की ओर से लोकसभा टिकट का ऑफर मिला है। जी हां, ये पुष्टि बाबूलाल गौर ने ही की है। बता दें कि बात बीते माह की है और दिग्विजय सिंह उनसे मिलने के लिए उनके आवास जब पहुंचे थे, गौर ने ये भी कहा कि वे इस ऑफर पर अभी विचार कर रहे हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद एक बार फिर भाजपा में अंदरूनी खींचतान सामने आ गई है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर अच्छी तरह जानते हैं कि सुर्खियों में कैसे रहना है। गौर कभी अपनी ही पार्टी के विरोध में बयान देते हैं तो कभी कांग्रेस नेताओं से खुलकर मिलते हैं। इस बार गौर साहब एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें कांग्रेस के टिकट से भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है, दिग्विजय सिंह ने उनसे मुलाकात की थी और भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। मैंने उनसे इस पर विचार करने को कहा है। पिछले महीने की 18 तारीख को मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित थे वो, और हम बहुत ही पुराने एक दूसरे से राजनीति में एक दूसरे से परिचित हैं, तो उन्होंने हमको ऑफर किया कि आप भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ें। मैं मुस्कुरा दिया, मैंने कहा मुझसे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहने कि हमारी पार्टी ये चाहती है कि आप हमारा चुनाव लड़ें। तो मैंने कहा अभी तो कोई मंशा नहीं है मेरी, कहने फिर भी विचार करें, मैंने ठीक विचार करेंगे। हालांकि बाबूलाल गौर इससे पहले भी कई बार पार्टी के खिलाफ बयान देते रहे हैं और कांग्रेस नेताओं की तारीफ करते रहे हैं। ऐसे में गौर के इस बयान के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। गौर का जब ये बयान निकल कर सामने आया तो बीजेपी में हलचल हुई। इस मामले पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। बाबूलाल गौर को ऑफर मिला है कांग्रेस ने भोपाल से अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैं किसी ऐसी खबर पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जो मेरे सामने नहीं कही गई हो। मैं केवल पढ़ी पढ़ी बातों पर भरोसा नहीं करता। हालांकि ये पहली बार नहीं है, गौर ने विधानसभा चुनाव परिणाम आने से पहले भी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील से मुलाकात की थी। आरिफ उनसे मिलने बंगले पर पहुंचे थे। बातों बातों में गौर ने उनसे कहा था, अब आप मंत्री बनने वाले हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, सीएम कमलनाथ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस वक्त दिग्विजय सिंह ने ही बाबूलाल गौर की विशेष अगवानी की थी और सिंह गौर साहब का हाथ पकड़कर मंच पर कुर्सी तक ले गए थे। ऐसे में सवाल यही कि आखिर दिग्गी के इस ऑफर पर विचार करने की बात कहना किस और इशारा कर रहा है। डेस्क रिपोर्ट DNN। माध्यमिक शिक्षा मंडल हुआ सख्त, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा नकल को लेकर सख्त हुआ माध्यमिक शिक्षा मंडल, नकल करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नकल करने वालों के खिलाफ सख्ती का रुख अपनाएगा माध्यमिक शिक्षा मंडल। नकलचियों को जाना पड़ सकता है जेल, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यदि छात्रों ने की नकल तो जेल तक छात्रों को भेजा जाया जा सकता है। परीक्षा नकल को लेकर सख्त हुआ माध्यमिक शिक्षा मंडल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। कलचियों को जाना पड़ सकता है जेल, भरना पड़ सकता है जुर्माना। कलचियों को लेकर, नकल को लेकर सख्त हुआ माध्यमिक शिक्षा मंडल, नकल करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, की बड़ी खबर। परीक्षा नकल को लेकर सख्त हुआ माध्यमिक शिक्षा मंडल। जय किसान फसल ऋण योजना के तहत किसानों की तरफ से आ रही शिकायतों के निराकरण के लिए सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों पर कंट्रोल रूम स्थापित करने का फैसला लिया है। सीएम कमलनाथ इस समय विदेश दौरे पर हैं, जहां सीएम को किसानों की शिकायतों को लेकर अवगत कराया गया था। इसी के मद्देनजर सीएम ने इस समस्या के तत्काल निराकरण की दिशा में सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि किसानों द्वारा लगातार यह शिकायत की जा रही थी कि उन्हें दिए गए कर्ज की राशि में आंकड़े त्रुटिपूर्ण है। साथ ही कुछ ऐसी भी शिकायतें मिल रही थी जिनमें कुछ किसानों के नाम पर कर्ज दर्शाया गया था जबकि उन्होंने कर्ज लिया ही नहीं था। कमलनाथ सरकार के इस फैसले को किसानों की राहत देने वाला समझा जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर दमोह से। दमोह में अनियंत्रित होकर एक बस पलट गए, इस वक्त की बड़ी खबर। अनियंत्रित होकर बस पलटी, 20 यात्री घायल, मौके पर पहुंची पुलिस। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर, 20 यात्री इस घटना में घायल हुए हैं। अनियंत्रित होकर पलटी बस,
दमोह से जबलपुर जा रही थी बस, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, दमोह में अनियंत्रित होकर पलटी बस। अनियंत्रित होकर बस पलटी, 20 यात्री घायल, मौके पर पहुंची पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यात्री घायल हुए हैं इस घटना में। शुभम अवस्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ रहा हादसा और फिलहाल क्या कुछ कारण सामने आ पाए हैं इस हादसे के? जी, मैं आपको बता दूं, दमोह से जबलपुर जा रही थी, जबलपुर मार्ग पर नोएडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हथनी के पास की घटना है, जहां पर ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। इसका भी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि सुबह से दमोह में ज्यादा घना कोहरा था और ठंड भी काफी ज्यादा थी, या तो स्टेयरिंग फेल भी हो सकता है या कोहरे की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती हो, तो यह दुर्घटना हो सकी हो। बिल्कुल शुभम, घायलों की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और पुलिस प्रशासन फिलहाल क्या कुछ आगे कार्रवाई कर रहा है? फिलहाल अभी तक वो करीब 2 दर्जन से ज्यादा 20 यात्री घायल बताए जा रहे थे, और भी प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची और एम्बुलेंस और डायल सो भी पहुंची है, जो कि डॉक्टर भी मौके पर पहुंच चुके हैं, डॉक्टर इलाज करने में लगे हुए हैं और घायलों के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा है। ये बस जल शक्ति ट्रांसपोर्ट कंपनी की बताई जा रही है, जो की जबलपुर जा रही थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस प्रशासन फिलहाल वहां पर पहुंच गया है, घायलों को जिला अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला डीएनए न्यूज पर लगातार जारी है, आप बने रहिए। नमस्कार।